खुश आमदीद उस्मान साहब, अल्लाह का शुक्र है कि आप सही सलामत वापस आ गए। खुश आमदीद जनाब। खुश आमदीद हुजूर। के साथ कोई लड़की भी आ रही है। ये उस्मान किसको ला रहा है? ये मेहमान होंगे। मेहमान जान। खुश आमदीद मेरे बहादुर बेटे। अच्छा किया कि आप आ गए। ठीक से हम लोग बैठकर बात भी नहीं कर सके। क्यों नहीं बेटा, बात करेंगे जरूर। ये खातून कौन है उस्मान? एक सरदार की बेटी है जो जालिमों से भाग रही थी। खुश आमदीद खातून, अपने आप को बोझ मत समझना तुम। मेहमानों के लिए हमारे दिल में जगह होती है। आप हमारे लिए हमारी बेटियों की तरह हैं। बहुत शुक्रिया। तो फिर मैं भी आपको अपनी माँ ही समझूंगी। आपने एक कैदी की जान बचाई है, रहने के लिए अपना खैमा भी दिया, मगर मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी, बल्कि आप लोगों के साथ पूरा तआवुन करूंगी। बाला, मेहमान का ख्याल तुम रखोगी, थोड़ी जख्मी है। ठीक है जनाब। आ जाए। ऐसे मेहमान इतनी आसानी से वापस नहीं जाते हैं बाला। आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, बोलो बेटा। मेहमान तो रहमत होते हैं, इनकी जगह सर आंखों पर, लेकिन थोड़ी आंखें खुली रखना होगी इसके लिए। क्या उसकी किसी हरकत पर शक है तुम्हें? शक करना तो मेरे लिए फर्ज हो चुका है ताईजान। ऐसी ही बात है, तुम बेफिक्र हो जाओ, अपने काम पर तवज्जो दो, मैं उस पर नजर रखूंगी। शुक्रिया ताईजान। जनाब, कोमराल अब्दाल की तरफ से खबर आई है। क्या खबर लाए? उन्होंने जैर कोताई को ढूंढ लिया है। जैर कोताई? एनागोल के करीब मंगोलों से भाग रहा था वो। जल्दी लाओ उसे यहां पर, उसी से जानेंगे कि वो गीदड़ हमारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं। जैसा आपका हुक्म। ठीक है भाई। जैर कोताई।